दोस्तों, जब भी हम अपने करियर की शुरुआत करते हैं, जब भी हम अपने पहली सैलरी आती है, इन्वेस्टमेंट करना शुरू करते हैं, तो जो सबसे पहला एक सपना हर इंसान के मन में आता है, वो ये आता है कि हमें अपना खुद का एक घर चाहिए जिसमें हमें रहना है। और जो आपका पहला घर होता है, वो एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है, स्पेशली वो घर जिसमें आप रहने चाहते हैं, जिसमें आप रहते हैं। तो और दोस्तों, जब हम करियर की शुरुआत करते हैं या फिर इवन 5-6 साल होने के बाद भी हम इतना पैसा इकट्ठा नहीं कर पाते कि हम अपना खुद का घर खरीद पाएं, तो घर खरीदने के लिए हमें हमेशा होम लोन का सहारा लेना पड़ता है कि होम लोन लेकर हम अपना खुद का घर खरीद पाते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप होम लोन ले रहे हैं तो आपको किन चीज़ों का खास ख्याल रखना है, और अगर आपने ऑलरेडी लिया हुआ है तो क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं होम लोन के, जो अगर आप अभी तक नहीं उठा पाते हैं तो आपको लेना है। तो सबसे पहले अगर मैं आपको टैक्स बेनिफिट्स की बात करता हूँ होम लोन से रिलेटेड, तो दो बेनिफिट्स आपको होम लोन में टैक्स बचाने में आपकी मदद करते हैं। एक तो वो पैसा जो आप प्रिंसिपल पेमेंट की तरह देते हैं, देखिए लोन के दो पार्ट्स हमेशा होते हैं, एक जो अमाउंट होता है वो आप टुवर्ड्स प्रिंसिपल पेमेंट देते हैं और एक आप इंटरेस्ट की पेमेंट करते हैं। तो इन दोनों ही पार्ट्स की डिडक्शन आपको इनकम टैक्स में मिलती है, तो आपकी जो ओवरऑल इनकम है उसमें से आप इसको डिडक्ट कर पाते हैं, इन दोनों ही अमाउंट्स को, चाहे आप प्रिंसिपल पेमेंट कर रहे हैं या फिर आप इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हैं। तो अगर आप प्रिंसिपल पेमेंट कर रहे हैं तो अप टू 1.5 लाख की जो आप पूरे साल में प्रिंसिपल पेमेंट किसी भी लोन के लिए करते हैं, वो आप अपना बचा सकते हैं, उसकी आप डिडक्शन ले सकते हैं। साथ के साथ दोस्तों, अगर आप उसमें से कोई इंटरेस्ट एलिमेंट भी पे करते हैं तो उसकी भी सेपरेट एक सेक्शन है जिसके अंडर आप अप टू 2 लाख यहाँ पर डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। अब बहुत सारे लोग हैं जो ऑलरेडी होम लोन ले रहे हैं लेकिन उनको इन सेक्शंस के बारे में नहीं पता होता है, तो वो ये जो बेनिफिट्स हैं होम लोन के वो उठा नहीं पाते हैं। तो ये दो चीज़ों का आपको ख्याल रखना है अगर आप ऑलरेडी होम लोन ले रहे हैं, ये डिडक्शंस आप ज़रूर लीजिए, आपका टैक्स काफ़ी ज़्यादा बच जाता है। और अगर आप 30% के स्लैब रेट में आते हैं तो आप देखेंगे आपका साल का 1-1.25 लाख रुपए का टैक्स सिर्फ होम लोन से ही यहां पर बच जाता है। दूसरी चीज़ दोस्तों, अगर आप अभी होम लोन लेने के बारे में सोच रहे हैं तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनके बारे में आपको ख्याल रखना है जब भी आप होम लोन लेते हैं। पहली चीज, जब भी आप होम लोन लेंगे तो उसमें आपको इंटरेस्ट रेट की दो ऑप्शन मिलती है, एक होता है फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट और दूसरा होता है फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये क्या होते हैं ये मैं एक बार आपको बता देता हूं। फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं कि जब भी आप इंटरेस्ट रेट पे करेंगे तो जैसे ही RBI की गाइडलाइंस आएंगी, ओवरऑल इंटरेस्ट रेट चेंज होंगे, तो आपका जो लोन है उस पर भी इंटरेस्ट रेट अकॉर्डिंगली चेंज किए जाएंगे। और फिक्स रेट पे जो इंटरेस्ट मिलता है उसका मतलब होता है कि जो भी इंटरेस्ट रेट वहाँ पर चल रहा है आपका एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट कर दिया जाता है, और जब तक आपका लोन का पीरियड रहता है वो इंटरेस्ट रेट आपका सेम रहता है। तो जनरली हम ये चीज़ देखते हैं कि अगर आप छोटे टाइम हॉरिजोन के ये लोन ले रहे हैं, आप मान लीजिए 5-6 साल के लिए होम लोन ले रहे हैं और आप उस इन सिनेरियो में लोन ले रहे हैं जब इंटरेस्ट रेट बिल्कुल कम है, जैसे मान लीजिए आपने कोविड के टाइम पे अगर लोन लिया होता तो उस टाइम पे फिक्स रेट ऑफ रिटर्न वाले इंटरेस्ट वाले लोन पे आपको ज्यादा फायदा हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ अगर आपको अनसर्टेनिटी है, आप 15-20 सालों के लिए लोन ले रहे हैं, तो फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट से आपको ज़्यादा बेनिफिट्स हो सकता है क्योंकि उससे जो भी रेट चल रहा होगा आपको उसके आसपास का ही इंटरेस्ट पे करना होगा। तो ये चीज़ का चॉइस आप ज़रूर ढंग से करिए, आपका काफ़ी ज़्यादा पैसा उससे आपका बचता है। दूसरी चीज़ जो आपको ख्याल में रखनी है वो है टेन्योर, जिसके लिए आप होम लोन लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको एक चीज़ समझनी है कि जितना लंबा आपका पीरियड होगा होम लोन का, उतनी ही ज़्यादा इंटरेस्ट की कॉस्ट आपको देनी पड़ेगी। लोगों को ये चीज़ लगती है कि देखिए 20 साल का हमने लोन ले लिया, हमारी EMI कम हो गई, लेकिन आपका जो इंटरेस्ट है, जो इंटरेस्ट की पेमेंट आपने ओवरऑल की, वो आपकी इंटरेस्ट की पेमेंट ज़्यादा आप करते हैं। तो उस चीज़ को समझकर आपको होम लोन यहाँ पर लेना है कि आपका जितना भी ज़्यादा पीरियड बढ़ता रहेगा उतना ज़्यादा आपका होम लोन का इंटरेस्ट भी बढ़ता रहेगा। तो उस चीज़ की कैलकुलेशन करने के बाद ही आप इन्वेस्ट करें। अभी ऑनलाइन बहुत सारे EMI कैलकुलेटर्स अवेलेबल हैं जिन पे जाकर आप ये चीज़ देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, और उसके हिसाब से आपको होम लोन लेने की ज़रूरत है। और एक चीज़ मैं आपको ज़रूर बोलूँगा कि जो भी आपकी इनकम है, जो भी अगर आप सैलरी
सैलरीड एम्प्लॉई हैं, तो जो भी आपकी इन हैंड सैलरी है उसका मैक्सिमम आप 25-30% ही अपनी ईएमआई को बनवाने की सोचिएगा। इससे ज़्यादा परसेंटेज की ईएमआई आपको नहीं बनवानी है, क्योंकि अगर आप इससे ज़्यादा परसेंटेज की ईएमआई बनवा लेंगे तो आपको जो आपके घर के खर्चे हैं उन सब चीज़ों में लॉन्ग टर्म में दिक्कतें आ सकती हैं, तो उस चीज़ को भी आपको समझ कर चलना है। तीसरी चीज़ डाउन पेमेंट। तो जनरली होता क्या है कि जब भी आप होम लोन लेते हैं, तो मान लीजिए आपने 1 करोड़ का होम लोन लिया, तो उस होम लोन का कुछ पैसा आपको डाउन पेमेंट देना पड़ता है। जनरली 10-20% के आसपास पैसा आपको एज अ डाउन पेमेंट पे करना पड़ता है। उसी वक्त आपको मान लीजिए 1 करोड़ का है तो आपको 15 लाख या 20 लाख की डाउन पेमेंट करनी होती है। ये चीज़ आप हमेशा समझ के चलिए, जितनी ज़्यादा आप डाउन पेमेंट कर देंगे फर्स्ट टाइम पे, उतना कम होम लोन आपको लेना पड़ेगा और उतना कम इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा। तो अगर आप 1 साल रुक के भी ये चीज़ करते हैं और आपको डाउन पेमेंट कम देनी पड़ ज़्यादा देकर आप होम लोन कम ले पाते हैं, तो उस चीज़ का भी आपको बेनिफिट मिल सकता है। तो ये चीज़ भी आप अपने ध्यान में रखिए, जब भी आप होम लोन लेते हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा डाउन पेमेंट करने की कोशिश करिए, और कम से कम होम लोन जो भी आप ले सकते हैं उसको लेने की आप इस वक्त कोशिश करिए। इससे आपकी जो इन छोटी छोटी चीज़ों से जो आपकी इंटरेस्ट की पेमेंट है ओवरऑल ओवर 15-20 ईयर्स ऑफ टाइम आपकी कम इंटरेस्ट पेमेंट आपको करनी पड़ेगी। चौथी चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है कि सिर्फ आपको होम लोन का इंटरेस्ट देखकर ही होम लोन नहीं खरीदना है, इसके अलावा भी बहुत सारे मिसलेनियस एक्सपेंसेस होते हैं, प्रोसेसिंग चार्जेस होते हैं, ऐसे ऐसे अलग अलग एक्सपेंसेस होते हैं होम लोन से जुड़े हुए। तो आप होम लोन लेते हुए इन सारी चीज़ों को भी समझिए और एक नेट निकालने की कोशिश करिए कि कितना आपको नेट इंटरेस्ट रेट पड़ गया, क्योंकि काफ़ी सारी जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो आपसे वन टाइम फीस एक ऐसी ले लेती है जो आपके ओवरऑल इंटरेस्ट को पेमेंट को बढ़ा देती है। तो इस चीज़ का भी आपको ख्याल रखना है। और पांचवी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आपका क्रेडिट स्कोर क्या है। आपका होम लोन लेने में आपका क्रेडिट स्कोर आपका बहुत ज़्यादा मदद करता है, क्योंकि काफ़ी सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा है तो आपकी एप्लीकेशंस भी जल्दी से जल्दी प्रेस होंगी, आपको कुछ डिस्काउंट भी मिलेगा इंटरेस्ट रेट पर। तो बहुत ज्यादा आप अपने क्रेडिट स्कोर पे ध्यान रखिए, लोग लाइटली लेते हैं इस चीज को। क्रेडिट स्कोर अपना अच्छे से अच्छा रखिए और उसके हिसाब से आपको एक अच्छा खासा इंटरेस्ट भी मिलेगा। और इन्हीं बातों को दोस्तों आपको और ज़्यादा डिटेल में जानना है तो पिरामल फाइनेंस का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वेबसाइट पे जाकर आप ये सारी चीज़ें देखकर यहाँ पर लोन लेने के बारे में सोच सकते हैं। काफ़ी आराम से आपका होम लोन यहाँ पर प्रोसेस होता है एक अच्छे इंटरेस्ट रेट पे। तो आप जाकर लिंक पे डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दे दिया, आप जाकर क्लिक करके ये सारी चीज़ों को ज़रूर देखिए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस वीडियो से आपकी हेल्प होगी। मेरी तरफ से बस इतना ही, धन्यवाद।